कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई द क्वेश्चन बॉक्स. आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई. यस, बैंक निफ्टी ने थोड़ा दिया, राइट. बैंक निफ्टी ने थोड़ा फॉल दिया एंड निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. निफ्टी स्ट्रॉन्ग है आज. बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हुआ है बट निफ्टी स्ट्रॉन्ग है आज. निफ्टी में मोमेंटम है आज. आई होप बजाज फाइनेंस का ट्रेड मिला होगा आपको. यस और नो प्लीज रिप्लाई. बजाज फाइनेंस ट्रेड मिला आपको? बजाज फाइनेंस हैव यू मेड सम प्रॉफिट? यस और नो? बजाज फाइनेंस में पैसा आया? बजाज फाइनेंस बाय दिया था? यस और नो? यस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी गया. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जस्ट वेट वन सेकेंड. इसका भी मेरा पुट का ट्रेड ओपन था. इसका मेरा ट्रेड था ये, इसमें भी टारगेट ऑप्शंस मान लो, उसमें भी टारगेट था. ठीक है, सो स्कैल्पिंग का ट्रेड था इसमें मेरा. इसमें भी टारगेट डन हो चुका है. बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है मुझे. अगर आज का लो तोड़ता है तो और भी फॉल आ सकता है. निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है. सो अब थोड़ा सा पेयर ट्रेड टाइप मार्केट हो चुका है. निफ्टी बाय बैंक निफ्टी शॉर्ट, ऐसा वाला मार्केट हो चुका है. निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में वीक है. बैंक निफ्टी वीकनेस है. ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे. ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट में, फिर ट्रेड लेंगे. ठीक है, सो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं. थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक स्पाइक मारेगा निफ्टी ऊपर 650-660 तक. एक स्पाइक ऊपर जाएगा निफ्टी. सर बैंक निफ्टी नीचे आया बिकॉज फेब रिट्रेसमेंट. ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी वीक हो चुका है एक्चुअली. अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना तो बैंक निफ्टी वीक हो चुका है थोड़ा, इसलिए नीचे आया और कुछ नहीं. बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो चुका है. निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बट बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो चुका है. ये देखो ना, बैंक निफ्टी में कंप्लीट रिवर्सल ट्रेड है, कंप्लीट रिवर्स है, फेलियर है. बैंक निफ्टी में फेलियर है, रिवर्सल ट्रेड है. निफ्टी हालांकि थोड़ा जगह बचा है, 735-740 तक भी जा सकता है निफ्टी. निफ्टी में ऊपर में जगह बचा है, बैंक निफ्टी में नहीं बचा है. बैंक निफ्टी में जगह नहीं बचा है ऊपर, निफ्टी में जगह बचा है ऊपर. थोड़ा सा वेट करेंगे फिर ट्रेड लेंगे. आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए. तो बेबी मॉर्निंग में भी वेट करके ट्रेड लिया था अगर आपको याद है, उसके बाद काफी अच्छा रिटर्न आया था. तो वेट करके ट्रेड करेंगे. यहाँ पे स्क्रीन ये ओपन कर देते हैं ना. यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये है, वीक है. पेयर ट्रेड कर सकते हैं क्या? पेयर ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट, ऐसा कर सकते हैं. यही चलता है अभी तो फिलहाल, ये मार्केट में यही चलेगा आज. मैंने भी पेयर ट्रेड किया है, यही सेम चीज किया मैंने, सेम चीज किया मैंने पेयर ट्रेड. थोड़ा सा वेट करेंगे. बीएल भी फ्लैट है, मेरा पोर्शन ओपन है, बाकी इसमें भी पोर्शन ओपन है, फ्लैट है. मतलब कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, फ्लैट है. स्टॉक्स वाइज फ्लैट है, स्टॉक्स में कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं है.
मैरी को चला, एक सेकंड ना, मैरी को देखेंगे जरा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जोर से गिर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कुछ न्यूज आया है क्या? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जोर से गिर रहा है, मैरी को देखते हैं। मैरी को में ब्रेकआउट आया है, चलेगा मैरी को। थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, 5 16 500, 4 5 रुपए का रैली आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है, 4 5 रुपए का रैली आ सकता है। सर सचिन, आपका तो काम हो चुका है ना इंट्राडे में, फिर क्यों आपको ट्रेड लेना है? मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला आपका काम हो चुका है, इंट्राडे में आपका काम हो चुका है, आपको जरूरत ही नहीं है ट्रेड लेने का अभी फिलहाल। यू ऑलरेडी मेड सम गुड प्रॉफिट राइट सर सचिन? क्या होना चाहिए? 1 मिलियन का एमटीएम? चलो मतलब इंटरनेशनल बन गए हो क्या? अभी इंटरनेशनल ट्रेडर बन गए 1 मिलियन डॉलर एमटीएम? देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा दे रहा है, बैंक निफ्टी दे रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सेल आ रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेल आ रहा है, मेरी को एक थोड़ा सा बाइंग ट्रेड मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे हिसाब से अभी बाइंग के लिए कोई आया नहीं है रडार पे, बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक कोई ना कोई स्टॉक रडार पे आएगा। बैंकिंग स्टॉक्स दे रहे हैं, यस बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सेल दे रहे हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स में, खासकर पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सेल ऑफ है, पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सेल ऑफ है। आया नहीं अभी तक कोई बाइंग के रेडार पे नहीं आया स्टॉक। मैंने सॉफ्टवेयर दूसरे टर्मिनल पे चालू किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या वेबिनार लेने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर दूसरे टर्मिनल में चालू किया। मेरा आपके जितना नहीं है सर सचिन, मेरा कम है, मेरा सिर्फ थर्सडे को होता है, मेरा सिर्फ थर्सडे को होता है बड़ा एमटीएम, सिर्फ थर्सडे को होता है, क्योंकि थर्सडे को लिमिट बड़ा मिलता है, इसीलिए। दो लिंक दिया हुआ है मैंने मिस्टर मंगेश, पहला लिंक मॉर्निंग वेबिनार के लिए, सेकंड लिंक इसके लिए आफ्टरनून वेबिनार के लिए। दो लिंक मैंने भेजा हुआ है, चेक कर लो मिस्टर मंगेश। दो लिंक दिया मैंने, एक लिंक नहीं दिया। हाँ जितने भी नए स्टूडेंट्स है ना मैसेज किया, उसमें देखो दो लिंक है, पहला लिंक मॉर्निंग वेबिनार के लिए, दूसरा वाला लिंक आफ्टरनून वेबिनार के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। निफ्टी तो स्ट्रेंथ है, निफ्टी में कोई डाउट ही नहीं है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है, 17,750 तक जगह है निफ्टी में, तो निफ्टी तो गिरने वाला नहीं है, निफ्टी के चांसेस कम लग रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है बस, निफ्टी गिरने वाला नहीं है, निफ्टी नहीं लग रहा मुझे गिरेगा। एक पैर ट्रेड लेना है क्या इंट्राडे? व्हाट डू यू से ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, पैर ट्रेड दोस हु वांट टू टेक प्लीज रिप्लाई। पैर ट्रेड लेना है इंट्राडे, प्योर इंट्राडे, प्योर इंट्राडे किसी को लेना है पैर ट्रेड प्लीज रिप्लाई। ठीक है एक मैसेज कर रहा हूं मैं, ये पैर ट्रेड ले लो।
2 to 3 लॉट्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैसेज कर रहा हूं मैं, ये पैड रेट आप ले सकते हो। मैंने मैसेज किया, देख लो, पैड रेट प्योर इंट्राडे, जो प्रॉफिट मिला लेके निकल जाना है, ठीक है, पैड ट्रेड है, हेजिंग वाला ट्रेड। प्योर इंट्राडे, यस, प्योर इंट्राडे, हेजिंग वाला ट्रेड है, प्योर इंट्राडे। पीडी लाइट मान लाओ, पीडी लाइट चला, पीडी लाइट चलना चालू हुआ है, गेल सेल करो, गेल आया सेल, चलो गेल, गेल टूटना चालू हुआ है, गेल गया, गेल में सेलिंग कर लो, कॉल सेल कर लो, स्प्रेड बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सेलिंग कर लो गेल में, गेल जाएगा। ऑब्वियसली इंट्राडे फॉल एक्सपेक्ट मत करना ज्यादा, ये थोड़ा सा स्विंग टाइप ट्रेड है। निफ्टी देखो आया ऊपर, निफ्टी देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी ऊपर आएगा, देखो निफ्टी ऊपर आया, दिख रहा होगा क्लियरली, 640, 641, आई थिंक इट विल क्रॉस 650, 660, 650 क्रॉस कर लेगा ये 5 मिनट में। निफ्टी में एक ऊपर का स्पाइक आना बाकी है, निफ्टी में एक ऊपर का स्पाइक आएगा, निफ्टी में एक ऊपर का स्पाइक आएगा लग रहा है। हाँ देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, एक स्पाइक आएगा मुझे लग रहा है निफ्टी में। निफ्टी में एक स्पाइक आएगा ऊपर का, 640, 650 ऐसा कुछ स्पाइक आएगा निफ्टी में लग रहा है, 653, 654, 10-15 पॉइंट का एक स्पाइक आएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा, देखो बैंक निफ्टी ये हो रहा है, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी सस्टेन करे ना तो काम हो जाएगा, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है। पैटर्न ले लो, यस पैटर्न मैंने दिया है, बाकी थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे हिसाब से। गेल में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एक्चुअली, बट गेल में ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड रहेगा, बाइंग का तो नहीं रहेगा, बस एक्सपायरी वीक है, तो वैसे भी अभी स्टॉक ऑप्शंस में तो 20 तारीख के बाद में थीटा डी के स्टार्ट हो जाता है, तो आई थिंक ऑप्शंस ये करना चाहिए, सेलिंग वाला ट्रेड मिल सकता है गेल में, बाइंग वाला तो नहीं, कॉल सेल जरूर कर सकते हैं, बाइंग वाला तो आई विल नॉट सजेस्ट। क्या बोलते हो, आएगा एक स्पाइक निफ्टी में 650 के ऊपर, आई थिंक मेरे हिसाब से आना चाहिए, 10-15 पॉइंट का एक स्पाइक जरूर आएगा निफ्टी, 643 है। सिक्स फोर्टी थ्री है, एक स्पाइक आएगा, व्हाट यू से, प्लीज रिप्लाई क्विकली। लग रहा है 640, 650 के ऊपर एक बार जाएगा, 650 के ऊपर एक बार जाएगा, इतना स्पाइक लग रहा है। मेटल्स गिरना चालू हो गए, ओहो, मेटल्स नहीं गिरना चाहिए, मेटल्स गिरना चालू हो गए, ये थोड़ा एक दिक्कत वाला बात हो गया निफ्टी के लिए, मेटल्स गिर रहा है, तो फिर सेक्टर कौन सा है जो हेल्प कर रहा है निफ्टी को ऊपर आने में, एक बार चेक करते हैं। मेटल्स गिर रहा है, मेटल्स गिरना स्टार्ट हुआ एक्चुअली, मेटल्स नहीं गिरना चाहिए, मेटल्स नहीं गिरना चाहिए एक्चुअली, मेटल्स नहीं गिरना चाहिए, मेटल्स में लो बनाना चालू हो गया,
विच इज अ बैड न्यूज। यस, मेटल्स नहीं गिनना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा वेट करते हैं। मेटल्स गिर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। इंडिया सीमेंट 285-284, इंडिया सीमेंट डे हाई, मंथ हाई, वीक हाई, डे हाई, सब चल रहा है। इंडिया सीमेंट वन साइडेड है। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से रिलायंस कर रहा होगा, शायद मेरे हिसाब से रिलायंस कर रहा होगा, या तो फिर रिलायंस में भी एक नया हाई बनेगा अभी इंट्राडे में। नहीं, अभी तक तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिलायंस में भी एक नया हाई बनना चाहिए आई थिंक, लेकिन बन नहीं रहा है। निफ्टी भी देखो ना, बैंक निफ्टी नीचे गिरना चालू हो गया, टाटा स्टील गिरा, नेशनल एल्यूमिनियम गिरा, मेटल्स में सेल ऑफ आया मेटल्स में, बट फिर भी निफ्टी स्ट्रांग है। मेटल्स में सेल ऑफ आने के बाद भी निफ्टी गिरा नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है निफ्टी में। एफएमसीजी खींच रहा है, यस एफएमसीजी खींच रहा है, एचयूएल वगैरह ऊपर है ना, एचयूएल वगैरह ऊपर है, एफएमसीजी खींच रहा है, राइट, एफएमसीजी यार, एफएमसीजी वगैरह खींच रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है निफ्टी सस्टेन करेगा। अभी देखो ना रेशियो, देखो निफ्टी 65 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 30 पॉइंट प्लस है। देखो पूरा बैंक निफ्टी का फिजल आउट हो गया, गेन दिख रहा है, बैंक निफ्टी का गेन पूरा फिजल आउट हो चुका है। इसलिए मैंने आपको पे ट्रेड दिया है कि बैंक निफ्टी सेल, निफ्टी बाय, ये पे ट्रेड अभी चलेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी का पूरा फिजल आउट हो गया गेम, एक ही कैंडल में पूरा फिजल आउट हो गया गेम। गेल में ट्रेड ले सकते हैं, गेल में ट्रेड ले सकते हैं, इनफैक्ट मेटल्स भी शॉर्ट आ चुका है, तो ट्रेड तो ले सकते हैं, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपायरी वीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे हिसाब से 650 के ऊपर एक स्पाइक मारेगा, मारना चाहिए, 650 के ऊपर एक स्पाइक मारेगा निफ्टी, लग रहा। ₹650 के ऊपर एक स्पाइक देना चाहिए मेरे हिसाब से, एक कैंडल देगा ये, वापस आया, ये वापस आया स्पाइक देने, एक स्पाइक देगा ये 650 के ऊपर। ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल चला, ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल चला, पे ट्रेड किया है मैंने, पे ट्रेड कर लो बस, अभी फिलहाल तो वही ट्रेड है। बैंक निफ्टी का एमटीएम बता दो जरा, व्हाट इज द एमटीएम, व्हाट इज द एमटीएम भाई, पे ट्रेड का एमटीएम कितना है? पे ट्रेड का एमटीएम कितना है, पे ट्रेड का प्लीज रिप्लाई। आई थिंक निफ्टी एक स्पाइक मारेगा, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है 635। बार बार आ रहा है, ये आएगा मुझे लग रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम, मेटल्स गिर रहा है, मेटल्स में क्या हुआ, क्या मेटल्स में खराब न्यूज आया क्या?
मेटल्स का कुछ खराब न्यूज आया क्या? नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, ये सब डे लो बना रहे, चेक करो फटाफट। मेटल्स का कुछ खराब न्यूज आया क्या? मेटल्स में सेल ऑफ चालू हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ओहो, मेटल्स गिर रहा है, इसी वजह से निफ्टी सस्टेन नहीं कर, मतलब निफ्टी नया हाई नहीं बना रहे, वरना तो 650 इजिली क्रॉस कर देता है। मेटल्स के वजह से निफ्टी नया हाई नहीं बना रहा है। नहीं यस, आई थिंक मुझे लग रहा है पेयर ट्रेड में पैसा आएगा इंट्राडे में। यस, कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप ले लो, VAL, शेयर प्राइस। ये आपको शॉर्ट टर्म में 30 तारीख तक, 24-25 तक का टारगेट है, 24-25 तक का। एक महीने में 30 के ऊपर भी जा सकता है। ये लेना है तो ले लो, हाँ बाजार भाव ले लो। यस, ये स्टॉक लेना है ले लो, VAL। ये BSE में है, NSE में नहीं है, BSE में। बट एक महीने में 30+ का टारगेट है, पैसा डबल का टारगेट है। 24-25 तक जा सकता है, 30% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। तो ये लेना है ले लो। यस, मुझे टाइप करके बता भी दो कितना क्वांटिटी ले रहे हो, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट आई विल ऑल्सो कम टू नो। मैंने लिया है 5,000 क्वांटिटी, कोड है 53940 2, 53940 2, ये वाला शेयर। मैंने अभी 5,000 क्वांटिटी लिया है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 24 से 25 का टारगेट है, विद इन 1 और 2 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 1 महीना। यस ले लो, यस ले लो। पे ट्रेड का मुझे PNL बताओ जरा, और बैंक निफ्टी का PNL बताओ। पे ट्रेड का PNL बताओ, बैंक निफ्टी का PNL बताओ। यस, लेना है ले लो, ये शेयर ले लो।
ये वाला वाक्सन ऑटोमोबाइल्स ये नाम है, न्यूज बेस्ड है, यस न्यूज बेस्ड है। न्यूज बेस्ड चाहिए ये वाला है, वाक्सन ऑटोमोबाइल्स लेना है ले लो, न्यूज बेस्ड स्क्रिप्ट है थोड़ा, पर 24 से 25 तक का टारगेट है, शॉर्ट टर्म 17 वाला, 16 17 वाला, 24 से 25। जीरोधा नॉट अलाउड तो दूसरे ब्रोकर में ले लो, दूसरे ब्रोकर में ले लो। दूसरे ब्रोकर में ले लो चलेगा, यस। निफ्टी देखो आया स्पाइक मारने 650, निफ्टी स्पाइक मारने आया, मैंने आपको बोला भी निफ्टी स्पाइक मारने आएगा, देखो आया निफ्टी स्पाइक मारने, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई, निफ्टी स्पाइक मारने आया। यस ले लिया ये, अगर किसी ने लिया है तो मुझे क्वेश्चन बॉक्स में रिप्लाई कर दो। ये वाला शेयर न्यूज बेस्ड है, 24 to 25। यस लिया ये, प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर आदित्य, जितने लोगों को लेना है ले सकते हो, फटाफट ले लो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। ले लिया रुचिरा मिस्त्री, मिस्टर कीर्ति दोषी, मिस्टर जय वलीचा, हितेश पटेल, जितने लोगों को लेना है ले लो, ये बाजार भाव करके लेना है। मैक्स 2 to 3 वीक्स न्यूज बेस्ड है एंड 24 से 25 का टारगेट है, 30 तक भी जा सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो, मैं कभी ऐसा स्क्रिप्ट देता नहीं हूं, लेकिन मैं दे रहा हूं, मतलब कुछ सर्टेन न्यूज है। यस ले लो, सर्टेन न्यूज है, मैंने खुद ने 5000 लिया है, किसी को लेना है ले लो एंड लेट्स वॉच बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नया लो बना रहा है, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। पेयर ट्रेड में भी पैसा आ रहा होगा, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम फ्लैट है, ठीक है ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम फ्लैट है, मतलब तो बैंक निफ्टी में उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। ABFRL तो क्या चल रहा है, ABFRL बहुत जबरदस्त चल रहा है। ABFRL बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो सर मंगेश, बीएसई में बाय करना, बीएसई में करना है बाय, निफ्टी जोर से दिया, यस बिकॉज बैंक निफ्टी दिया ना, निफ्टी जोर से इसलिए दिया क्योंकि बैंक निफ्टी दिया, देखो ना पीएल गया, पीएल जोर से गिरा है, बीएसई में बाय करना है, बीएसई में। देखो मैंने मैसेज भी किया है, ले लो चाहिए तो, मैंने मैसेज भी किया है ले लो, यस मैंने मैसेज भी किया है ले लो, निफ्टी जोर से दिया, यस बिकॉज बैंक निफ्टी नया लो बना ना,
निफ्टी इसलिए दिया क्योंकि बैंक निफ्टी नया लो बना है, बैंक निफ्टी जा रहा है, बैंक निफ्टी नया लो बना है। निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, निफ्टी का ये मत देखो, निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी ही वीक है एंड बैंक निफ्टी इज ड्रैगिंग निफ्टी डाउन, ऐसा हो रहा है अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी ही ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। बैंक निफ्टी ही ड्रैग कर रहा है निफ्टी को और कुछ नहीं है, इसलिए मैं वेट कर रहा था तुझसे। पीएल गया, देखो पीएल, पीएल गया, पीएल ये गया, ये नया लो बना दिया इसमें, इसमें बीवी चैलेंज आ चुका है, ये गया नीचे। निफ्टी देखो जोर से देता भी है तो जोर से ऊपर भी आ जाता है फटाफट। निफ्टी देता भी है तो जोर से ऊपर आ जाता है, निफ्टी काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डन लिया, ये ले लिया ना, प्लीज रिप्लाई, ये ले लिया प्लीज रिप्लाई, किसने किसने लिया मुझे बता दो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हाँ, अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा तो ब्रोकर को कॉल एंड ट्रेड कर लो, चलेगा वो भी, कॉल एंड ट्रेड कर लो, यस यू कैन डू कॉल एंड ट्रेड, यस कॉल एंड ट्रेड करके ले लो तो भी चलेगा। निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, देख लो निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और निफ्टी पॉसिबल एक स्पाइक दे सकता है, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है पॉसिबल एक स्पाइक दे सकता है, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है और कुछ नहीं है, निफ्टी एक स्पाइक ऊपर का दे सकता है, इसलिए मैंने पेयर ट्रेड दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं गिर रहा है, सिर्फ बैंक निफ्टी गिर रहा है। देख लो निफ्टी आया जोर से ऊपर, देखो निफ्टी आ जाएगा आई थिंक वापस ऊपर, निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी वीक है, ऐसा है। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास होगा, कोई ज्यादा नहीं लग रहा मुझे तो। मेट्रोपोलिस गया, मेट्रोपोलिस गया, नया लो मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस गया, पीएल गया, ये सारे स्टॉक्स में नया लो बन रहा है, ये देखो ना मेट्रोपोलिस भी गया नया लो, पीएल गया नया लो, देख लो मेट्रोपोलिस सेल, आएगा निफ्टी ऊपर आएगा, एक स्पाइक देगा 15-20 पॉइंट का, एक स्पाइक देगा ऊपर, 630-635 पॉसिबल है, 650 तक भी मार दिया एक स्पाइक, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, ये कौन सा स्टॉक ये चला, आज ही मैंने ये डिस्कस किया था स्पेशलिटी केमिकल, ये स्टॉक सर्किट लग गया अपर सर्किट,
ये स्टॉक अपर सर्किट लग गया है, अभी अभी आपको माल नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा, अपर सर्किट लग गया है, ट्राई करो। यस ट्राई करो, अगर ऑर्डर प्लेस करके रखो, अगर मिलता है तो ठीक है, सर्किट लग चुका है इसमें, अपर सर्किट लग चुका है। अपर सर्किट लग चुका है, लेना है तो ले लो, ऑर्डर प्लेस करना है आपको। मेट्रोपोलिस दिया, जबरदस्त मेट्रोपोलिस दे रहा है, मेट्रोपोलिस दे रहा है, वन साइडेड बस। निफ्टी आई थिंक मुझे लग रहा है 630-40 तक एक्सपायर देगा, 630-40 तक एक्सपायर देगा निफ्टी, 630 निफ्टी। ये देखो निफ्टी में आया, देखो स्पाइक, मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में एक स्पाइक आएगा, 650 माल लाओ, 650 तक स्पाइक दे देगा ये निफ्टी। देखो कितना जोर से ऊपर आया, फास्ट निफ्टी देख लो, सिर्फ निफ्टी, ओनली निफ्टी। सीमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे, सीमेंट सेक्टर, इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये सब चलेगा। सीमेंट सेक्टर थोड़ा पोर्टफोलियो में रखना, सीमेंट सेक्टर के चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। निफ्टी आएगा लग रहा है, निफ्टी लग रहा है मुझे आएगा, निफ्टी एक स्पाइक देगा निफ्टी 650 तक, एक स्पाइक देगा ये निफ्टी 650 तक देना चाहिए मेरे हिसाब से, 650 तक एक स्पाइक दे सकता है 20 पॉइंट का लास्ट के 10 मिनट में। एक स्पाइक दिया, एक स्पाइक, आया देखो निफ्टी ऊपर 631। यस सर्किट में भी आप ऑर्डर रख सकते हो, यस ये ऑर्डर सर्किट में भी आप रख सकते हो, अगर लेट से रहा तो मिल सकता है, पॉसिबल है, यस यस रख दो सर्किट में भी, लेने का रख सकते हो ऑर्डर, लास्ट मोमेंट तक आ सकता है इसमें, ठीक है ऑर्डर प्लेस कर दो। निफ्टी 650 मुझे लग रहा है क्लोजिंग तक टच करेगा एक बार, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी, निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी वीक है बट निफ्टी स्ट्रांग है। सीमेंट सेक्टर पे ध्यान दो, सीमेंट सेक्टर, SBI चला, SBI चला तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को, SBI थोड़ा सा चला, SBI डे हाई 573, SBI चलेगा मुझे लगता है, SBI एक है बैंकिंग में जो आउट परफॉर्म कर सकता है, बाकी तो ऐसा नहीं लग रहा, बट SBI एक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी में। छह सौ पचास तक एक स्पाइक मारेगा ओडियो से 15 पॉइंट 10 मिनट, 15 पॉइंट एंड 10 मिनट्स, क्या बोलते हो, ऑल ऑफ यू एग्री विथ माय पॉइंट, 15 मिनट्स एंड 10 पॉइंट,
10-15 पॉइंट चाहिए निफ्टी को 650 का हाई बनाने के लिए। 10 मिनट, 15 मिनट बचा है और 15 पॉइंट ही चाहिए। हाँ, फ्यूचर 631 है, 20-25 पॉइंट का एक स्पाइक देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक स्पाइक देगा भाई, निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रेंथ है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है। आया देखो स्पाइक देने, सिक्स थर्टी सिक्स आया देखो, 10 पॉइंट, 638 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आई थिंक आ जाएगा, मुझे लग रहा है। एक स्पाइक दे देगा ये, इजीली दे देगा। 640 मान लो, 642 मान लो, क्या बात है, देख लो, एक स्पाइक देगा, बोला ना मैंने आपको, एक स्पाइक देगा ही देगा ये। 600 था तब भी मैंने आपको बोला कि 650 का एक स्पाइक देगा ही। You can see here. आज देख लो, बैंक निफ्टी नीचे, निफ्टी ऊपर, मैंने आपको वार्निंग में बोल दिया था आज ऐसा पे ट्रेड होगा। ट्रेड के लिए पैसा नहीं, माल कैसे ले, तो बैंक निफ्टी में आ जाएगा, बैंक निफ्टी में आ जाएगा मिस्टर अंसर, क्या टेंशन है। पर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन था ना 1-1.5 लाख रुपए, तो फिर ऐसा कैसे हो गया मिस्टर अंसर? आपके पास तो अलग से 1-2 लाख रुपए रखा था ना, आपने विड्रॉ किया है क्या आपने कुछ? विड्रॉ किया है तो अलग बात है। अच्छा हाँ, विड्रॉ किया है तो अलग बात है। बाकी अभी तो पिछले वीक ही 34,000 आया था आपको, तो विड्रॉ किया तो एक अलग बात है। ठीक है, यस, कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग वेबिनार में। आई थिंक आज का तो कोई ज्यादा ट्रेड है नहीं आफ्टरनून में। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, पेयर ट्रेड में इंट्राडे में निकल जाना है, तो 3:20 तक, 3:25 तक निकल जाना, पेयर ट्रेड प्योरली इंट्राडे था। ठीक है, सो कल सुबह मिलेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, एंड व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना कॉमोडिटी ट्रेड्स के लिए। यस।